डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम. दिस ब्रिगेडियर जावेद सरवर जी, प्रिंसिपल गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान. आई एम हेयर टू शेयर द रिजल्ट्स ऑफ एचएसएससी पार्ट वन एंड एचएसएससी पार्ट टू. जी, लेटली मर्दान बोर्ड का रिजल्ट आउट हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह, वी क्लेम इट इज अगेन द बेस्ट रिजल्ट इन मर्दान बोर्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान. हमारी फर्स्ट एंट्री के 55 बच्चियाँ अपियर हुई थी जी एफएससी के एग्जाम में, जिसमें 54 ने A1 ग्रेड हासिल किया है और 45 कैडेट्स के 90% एंड प्लस मार्क्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी. और जो इसमें प्री मेडिकल ग्रुप में कैडेट सुंदर निसार, शी हैज सिक्योर्ड द फोर्थ पोजीशन विद 96.1%. एंड वेयर एज इन द प्री इंजीनियरिंग ग्रुप कैडेट ईमान नसीब, शी हैज सिक्योर्ड 94.9% मार्क्स. यहाँ पे एक चीज मैं शेयर करूँ जी, कैडेट ईमान नसीब के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद यू. माशाल्लाह, ईटा के टेस्ट में शी हैज सिक्योर्ड द फोर्थ पोजीशन एंड बीइंग अ नर्सियन, नो शी ऑप्टेड टू जॉइन द नर्स. और नर्स से ये पहली बच्ची है जो जिसका डायरेक्ट एडमिशन हुआ है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए. एज ए नर्सियन कैडेट शी विल जॉइन द एरोनॉटिकल इंजीनियर, शी हैज ऑप्टेड टू बी पार्ट ऑफ टीएफ एकेडमी. माशाल्लाह जी, मैं यहाँ पे कहूँगा कि जी ये सारा क्रेडिट जाता है हमारी फैकल्टी को, टीचिंग फैकल्टी को, पेरेंट्स को, जिन्होंने बहुत सारी दुआएं की. और ये इसके साथ है जी, मैं बताऊँ जी, जितनी हमारी प्री इंजीनियरिंग की बच्चियाँ थी, 13 के करीब बच्चियाँ थी हमारी प्री इंजीनियरिंग की, वो अलहमदिल्ला सारी की सारी डिफरेंट लीडिंग यूनिवर्सिटी में एडजस्ट हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग DIK, इंक्लूडिंग नर्स्ट एंड डिफरेंट अकेडमी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. वेयर एज जो बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ थे, कुछ जो दोस्त हैव ऑप्टेड टू अप्लाई फॉर द पाकिस्तान एयरफोर्स, उसके लिए अप्लाई किया बच्चियों ने, जिन्होंने अप्लाई किया जी, दे हैव क्वालिफाइड अलहमदिल्ला. हम होप करते हैं कि इंशाल्लाह वो आगे भी आज भी अच्छा करेंगी और इंशाल्लाह दे विल बी द लीडिंग स्टार्स एंड लीडिंग लीडर्स ऑफ द इन सर्विंग इन यूनिफॉर्म एंड दिस ऑफ द नेशन. मैडम, क्या ख्याल है आपके मुताबिक, आपका ये जो रिजल्ट के मुताबिक ओवरऑल जो शेयर किया मैंने रिजल्ट, और ये एक सबसे अच्छी बात ये है कि जब से हमारे बच्चे बोर्ड के एग्जाम में फिर होना शुरू हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2009 ऑनवर्ड, दे आर एक्सेलिंग एवरीवेयर. थोड़ा सा कमेंट करेंगी आज के रिजल्ट के मुताबिक और फिर परफॉर्मेंस करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो जी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको, आपके बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं. सेकेंडली ये कि बच्चों को थोड़ा सा हम लोगों ने एक प्रोसेस से गुजारा था, थोड़ा सा टफ टाइम भी था उनके लिए. जो टेस्ट होंगे राउंड्स थे और ये जो हाफ बुक टेस्ट थे, प्री बोर्ड्स थे, सेंडअप्स थे, दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर देम. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने दिया है एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी टू सी दिस रिजल्ट. इंशाल्लाह अब सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर वी आर होपिंग कि इससे भी अच्छा रिजल्ट हो, तो देखिए हम आगे क्या करते हैं. जी बहुत शुक्रिया मैडम, माशाल्लाह थैंक यू. आपने आपकी एफर्ट है, आपकी टीचर्स की एफर्ट है, इट्स अ टीम वर्क. आई वुड से इट्स अ टीम वर्क, लीडर कैन नॉट डू एनीथिंग अलोन, इट्स अ टीम वर्क. और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा जी, हाँ जी, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा दुआएं थी, बच्चों की एफर्ट थी, दिन और रात की मेहनत थी. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि जी मेरी जो फैकल्टी है, टीचिंग फैकल्टी है, बाकी मेरा स्टाफ है, दे आर अवेलेबल फॉर द क्रेडिट्स 7/24/7 एंड फॉर द एजुकेशन ऑल्सो, फॉर द ग्रूमिंग ऑल्सो. माशाल्लाह जी, वंस अगेन आई वुड से मुबारकबाद टू ऑल द पेरेंट्स एंड द लवली कैडेट्स, दोज आर एंजॉइंग द वोकेशन एट होम एंड प्रिपेयरिंग फॉर MD CAT एंड दोज हैव जॉइंड द यूनिवर्सिटीज, विश देम गुड लक. आई होप एंड प्रे इंशाल्लाह बाकी भी हमारी इंट्रीज ऐसे रिजल्ट देगी. नाउ यू कैन वॉच द रिजल्ट इन डिस्प्ले. थैंक यू माची, अस्सलाम वालेकुम. बदल चुका है दौर, अब एक नया है, नई तारीख लिखी जाएगी. आने वाले कल में, हर पल हर कमल में, मुझको